अच्छा ये माना जाए कि अभी तक इस बैठक का एजेंडा तय नहीं। ये आप तय नहीं करने वाली, आप देश की प्रधानमंत्री नहीं है, आप देश की सांसद नहीं है। मैं इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि क्या अब से पहले कोई ऐसा स्पेशल सेशन आया जिसमें विपक्ष को नहीं बताया गया कि एजेंडा क्या है? क्या अब से पहले देश के इतिहास में ऐसा हुआ है क्या? बस एक सवाल का जवाब दीजिए बड़े एहतराम। वेलकम टू हुल्लड़ मीडिया दोस्तों। 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलने वाले संसद का विशेष सत्र जिसको लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। कारण है वजह, विपक्षी दल संसद के विशेष सत्र का एजेंडा जानना चाहती है कि आखिर संसद में इस विशेष सत्र का क्या होने वाला है। इसी पर न्यूज 24 की एंकर गरिमा सिंह और भाजपा प्रवक्ता में जबरदस्त बहस हो गई। देखिए ये शानदार डिबेट। आरपी सिंह, मुद्दा क्या है स्पेशल सेशन का, बता पाएंगे इस देश की जनता को? आइए देखते हैं मलाया। अभी आपने प्रहलाद जोशी जी को सुना, अब उसके बाद भी मुझसे मुद्दा क्यों पूछ रही हैं? प्रहलाद जोशी ने स्पष्ट कहा कि जो पार्लियामेंट की ऑल पार्टी मीटिंग होगी उसमें चर्चा हो जाएगी, या फिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होगी उसमें चर्चा हो जाएगी। ये मुद्दा आपकी डिबेट पे चर्चा का नहीं है, ये जहाँ है वहाँ, जहाँ होना है वहाँ होगा। बिल्कुल, ये कोई नया नहीं हो रहा। पार्लियामेंट सत्र जब बुलाया जाता है, जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है उसमें सब चर्चा कर ली जाती है, और इस बार भी ऑल पार्टी मीटिंग होगी, उस ऑल पार्टी मीटिंग में चर्चा कर ली जाएगी। ये मुद्दा विपक्ष का है, आरपी सिंह का, विपक्ष आपसे पूछ रहा है। ये मुद्दा तो विपक्ष आपसे पूछ रहा है कि ना सत्र बुलाने से पहले कोई एजेंडा तय हुआ, ना सहमति बनाने की कोशिश हुई, ना कोई बातचीत हुई, आनन फानन में आप स्पेशल सेशन की घोषणा कर देते हैं। तो संसद है सर, ये पारिवारिक कार्यक्रम तो है नहीं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। विपक्षियों को भी बैठना है। ये पहली बार तो नहीं हो रहा सत्र इस प्रकार से, पहली बार तो कोई सेशन नहीं बैठ रहा। ये तो पहले कई बार ऐसे सेशन हो चुके हैं, और लगातार पार्लियामेंट्री सेशन होते ही हैं। जो एक प्रोसीजर है वो प्रोसीजर फॉलो होगा। नहीं, लेकिन विशेष सत्र पहली बार हो रहा है। आप उस दिन शाम को डिबेट रखना। अरे मेरी बात एक मिनट, गर्मा बहन एक बात पूरी करूं सर। मैं बड़े एहतराम के साथ प्रश्न, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आप बिल्कुल अपनी बात पूरी कीजिएगा। बड़ी बिज्जी करके आपसे कह रहा हूं, मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। लेकिन आपने कहा कि पहली बार नहीं हो रहा है, और मैं कह रही हूं कि स्पेशल सेशन पहली बार हो रहा है। अब से पहले मात्र 8 सेशन हुए स्पेशल सेशन, उन सब का एजेंडा तय था, और इसीलिए सवाल पूछ रही हूं आपसे बड़े एहतराम के साथ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। जिस दिन ये सेशन होगा और उससे पहले अगर लोगों को अपना एजेंडा चर्चा करने का समझने का मौका, या उनको अगर जानकारी नहीं मिलेगी, और बिना जानकारी मिले अगर कोई सत्र होगा, उस दिन शाम को आप बुलाकर मुझे फांसी लगा दीजिएगा। तू जा, छुट्टी पे चला जा, मैं आ जाऊंगा आपके सत्र में, आपके डिबेट में। आप जितना जो कहना कहिएगा, जरूर जितना जो बात कहनी कहिएगा, परंतु अभी तो सेशन हुआ नहीं। अभी जब होगा उससे पहले चर्चा भी होगी, सुनिश्चित होगी, परंतु बिना बात के एक बाउंडर बनाना, क्योंकि कोई ना कोई एक इशू खड़ा करना है, एक इशू चलाना है। जब सत्र होता है तो बहिष्कार होता है, तब बायकॉट करके चले जाते हैं, तब चर्चा करनी नहीं, तब चर्चा होने नहीं देनी। जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे होते हैं तब हल्ला किया जाता है, ये भी कभी नहीं हुआ था। जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे होते हैं तब हल्ला किया जाता है, तो उनको जो करना है वो करेंगे। जो एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए एक पार्लियामेंट का सेशन होगा, उसके जानकारी सबको मिलेगी। वो जो एडवाइजरी कमेटी, जहाँ जो अभी जोशी जी ने, प्रहलाद जोशी जी ने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग में सबको जानकारी मिलेगी, उसमें छुपाने वाली बात क्या है? इसमें छुप सकता ही नहीं, ना आपसे, ना मुझसे, ना ऑपोजिशन पार्टी से, ना और दलों से छुपेगा। सब तो आरपी सिंह पे होगी। क्या ये माना जाए कि अभी तक इतना बड़ा, क्या ये माना जाए कि अभी तक इस बैठक का एजेंडा तय नहीं? ये आप तय नहीं करने वाली, आप देश की प्रधानमंत्री नहीं है, आप देश की सांसद नहीं है साले, तभी आप देश चला नहीं रही। आप डिबेट का एजेंडा तय कर सकती हैं, वो आप कर करती हैं, आपको हक है, आपको अधिकार है करने का बहन, परंतु आप देश का सेशन का एजेंडा क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, वो आपके हाथ में नहीं है, ना आपको उसमें चिंता करनी चाहिए। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं आरपी सिंह, ना मैं सांसद हूँ, बिल्कुल ठीक है। मैंने कब कहा मैं सांसद हूँ, ना मैंने कहा मैं प्रधानमंत्री हूँ।
लेकिन क्योंकि विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है इसलिए मैं सवाल पूछ रही हूं। विपक्ष का काम आरोप लगाना है इसलिए आरोप लगा रहे हैं, उनके पास और कोई काम है नहीं। अच्छा आपने एक बात कही आरपी से, आपने एक बात कही तंग हो गए कि अब से पहले भी एक मिनट रुकिएगा मेरे को बात कहने दीजिए, ये नहीं चलेगा, ये मुझे पहले बोलिए, आप एक बात पूरी नहीं करी मेरी, आप मैं आपको बड़ा सही व्यक्ति मानती हूं आरपी से, आप मेरी बहुत सही है, एक सेंटेंस पूरा नहीं कर दिया आप, इसीलिए बस मैं इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि क्या अब से पहले कोई ऐसा स्पेशल सेशन आया जिसमें विपक्ष को नहीं बताया गया कि एजेंडा क्या है? क्या अब से पहले देश के इतिहास में ऐसा हुआ है क्या? बस एक सवाल का जवाब दीजिए बड़े एहतराम से। क्या सेशन हो गया है? और मैं निवेदन कर रहा हूं कृपा करके बीच में मत टोका करिए, जब बात पूरी सेंटेंस पूरा हो जाए उसके बाद आपको टोकने का पूछने का पूरा अधिकार है। ठीक है कहिए बात, कृपा करके विपक्ष की तरह मत बिहेव करिए जहां पर प्रधानमंत्री जी को नहीं, कृपा कर आप विपक्ष की तरह बिहेव करिए जब प्रधानमंत्री जी को बोलने का मौका भी नहीं देते, कृपा करके सुनिएगा। बोल बोल, जिस दिन सेशन होगा उससे पहले जानकारी सबको मिल जाएगी, ऑल पार्टी मीटिंग होगी या पार्लियामेंट्री एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग होगी, उसमें सब चर्चा आ जाएगी, तब वह आपसे भी शेयर करना चाहे तो कर देंगे, नहीं तो उनकी मर्जी है। ठीक है आरपी सिंह, अखिलेश जरा मैं आरपी सिंह जी, सुकेश बोल रहा हूँ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सीधा सा सवाल, बड़ा आपने कहा कि आप तय नहीं करेंगे, बिल्कुल हम तय नहीं करेंगे, लेकिन पार्लियामेंट जो है वो तो एक तरीके से पूरे देश का प्रतिबिंब है, उसमें जो भी चुन के आता है उसको जनता चुन के भेजती है, तो हम सबको ये जानने का अधिकार है कि हमारे देश में हमारे देश की संसद हमारे लिए क्या करने जा रही है, तो इसको इतने गुपचुप तरीके से रखने का क्या मकसद है? मैं ये समझना चाहता हूं, आप समझा सकते हैं चूंकि आप तो मेंबर रहे एक हाउस के। सुकेश भाई कोई गुपचुप नहीं हो रही कोई बात, समय आने पर सब जानकारी मिलेगी, 17-18 तारीख को है, आज अभी 6 तारीख है, 12 दिन बाकी हैं, वो कोई सेट कोई रूल नहीं है कि 15 दिन पहले ही एजेंडा जाएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है, और ऐसा नहीं है कि कोई एजेंडा जाते ही जाता है, वो मीटिंग होगी ऑल पार्टी मीटिंग में चर्चा में आएगा, वो 3 दिन पहले हो, 2 दिन पहले हो, वो 4 दिन पहले हो, जब भी ऑल पार्टी मीटिंग होगी उसमें सारी चर्चा आएगी और उसमें सारा 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 मामला खुल जाएगा, उसमें क्या छुपाने वाली बात। आरपी भाई, और इसके पहले की गरिमा, हम लोग इसके पहले की गरिमा दूसरे इसके लोग हैं, एक मिनट एक आधा से जी जी बताइए, पूरा करिए, हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करने वाले लोग हैं, विपक्ष की तरह नहीं है जो कि लोकतांत्रिक संस्था में विश्वास ही नहीं करता, हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करने लोग हैं, प्रोसीजर होगा, प्रोसीजर पूरा जो है वो लोकतांत्रिक प्रोसीजर पूरा फॉलो होगा, परंतु ये आज तक कभी मुझे कृपा कर इस डिबेट के दौरान अभी आधा घंटा है जरा निकाल कर दे दीजिए कि कब एजेंडा ऐसे पहले चर्चा में जाता है, वो कितने दिन पहले जाता है, ये तो ये तो ये तो गरिमा ने आपको बता दिया कि विशेष सत्र जब भी बुलाया गया है वो उसका एजेंडा साफ था, इसके पहले कि वो किसी दूसरे पैनलिस्ट पे जाएं तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा थोड़ा अनुभव कवर करने का पार्लियामेंट का मेरा है, पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट्री रूल के तहत तो चलती है लेकिन पार्लियामेंट कन्वेंशन से चलता है, संसद जो है परिपाटी से चलती है, इसमें कम से कम 2 लोग ऐसे हैं, 3 लोग ऐसे हैं, आपको मिला के 4 लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी सदन के सदस्य रहे हैं, और केसी त्यागी जी तो दोनों सदनों के सदस्य रहे हैं, वो बताएंगे कि पार्लियामेंट कन्वेंशन से चलती है, परिपाटी से चलती है, परिपाटी ये रही है कि जो स्पेशल सेशन बुलाया जाता है उसमें सब कुछ बहुत क्लियर होता है, जो नॉर्मल सेशन बुलाए जाते हैं उसमें बुलेटिन निकलता है, बुलेटिन के बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है, वो सिर्फ समय तय करने के लिए होती है कि किस बिल को पहले लेना है और कितना समय देना है, मुझे लगता है कि ये गुपचुप तरीके से जो लगाने का जो करने का आरोप है उसमें कुछ हद तक सत्यता है। आरपी सिंह अगर कुछ जवाब देना चाहे, क्योंकि स्पेशल सेशन मेरी जानकारी में अभी तक ऐसा नहीं है जो बिना एजेंडे के हुआ हो, आप जवाब देना चाहे तो बताइए जी। आरपी सिंह मैं मेरा जवाब सुन लीजिए, बिना एजेंडे का तो सेशन होगा भी नहीं, एजेंडा तय हुआ होगा, उस पर चर्चा होगी, और मैं रिपीट कर रहा हूं परिपाटी और रूल बुक के हिसाब से चीजें अलग अलग हैं, आप कृपा करके मैं चाहूंगा सुकेश मीटिंग से पहले या बाकी जो लोग पार्लियामेंट में सदस्य रहे हैं वो बता दें कि कहाँ रूल बुक कहता है कि 15 दिन पहले या 3 दिन पहले चार दिन पहले, वो जरा रूल की जानकारी दें, मैंने भी बोला पार्लियामेंट के किस रूल के अंदर ये है कि 15 दिन पहले होगा, तो स्पेशल सेशन अगर है या सेशन है, वैसे तो मेरे हिसाब से नॉर्मल सेशन है, आप उसको स्पेशल सेशन नाम दे रहे हैं, परंतु अगर है उसमें चर्चा होगी, उसकी जानकारी सबको मिलेगी, आपको मिलेगी, मेरे को भी मिलेगी,
उसमें क्या, उसमें ऐसा क्या ब्लंडर है जो हम खड़ा कर रहे हैं? ये मॉनसून सेशन नहीं, कोई मुद्दा मिलता नहीं है, रुकिए। जितने मुद्दे उन्होंने लेकर बैठे हैं उन सब मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है, उन सब मुद्दों पर चर्चा पार्लियामेंट में हो चुकी है, और विपक्ष ने उस सारी चर्चाओं पर बहिष्कार किया था, वॉकआउट किया था और वहां पर नारेबाजी करी थी। उन सब जब वो सब चर्चाएं जब जो आज सोनिया गांधी जी लेकर बैठी हैं, उन सब चर्चाओं पर नारेबाजी करी है, हुड़दंग खड़ा है, वहां पर भंगड़े डाले हैं। तो साथियों, डिबेट पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, कमेंट जरूर कीजिएगा। विशेष सत्र पर क्या कुछ होगा, ये अब देखने का विषय होगा। G20 के बाद इस सत्र पर सरकार और विपक्ष के बीच जोरदार घमासान देखने को मिल सकता है। आपकी क्या है राय इस पर, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।